देखिए, कल लगातार जो बारिश हुई है उसमें जनपद के जितने सब डिविजन्स हैं उसमें एवरेज 150 mm करीब बारिश हुई है, जिसमें रोशनाबाद में लगभग 230 के करीब mm बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र में तो अब तक तो वाटर लॉगिंग हुआ ही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो सोनाली रिवर है हमारी, पथरी रॉ रिवर है और रत्नो रॉ रिवर है ये, और इन रेनफेड रिवर्स में बरसात का पानी ज़्यादा आने से हमारे रुड़की वाले एरिया में और लक्सर वाले एरिया में कई गांव में और शहर में जल भराव की स्थिति हुई है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने एडवांस में SDRF की टीम और NDRF की डिमांड की थी, तो दोनों टीमें कल ही पहुँच गई थी, जिसमें NDRF के लगभग 31 करीब जवान हैं और SDRF के होते ही हैं, तो उन लोगों को हमने लक्सर और रुड़की के क्षेत्रों में उनकी ड्यूटी लगाई थी और उन्होंने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी किया था। और जो गंगा का जलस्तर है भीमगढ़ बैराज में हम देख रहे हैं, तो आज थोड़ा स्थिति सामान्य है और UP इरिगेशन के साथ हमारी टीम लगातार समन्वय बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहर में उतनी ज़्यादा पानी नहीं हुआ, पानी डाइवर्ट नहीं हुआ है, और अभी लगभग 292.47 के करीब पानी का जलस्तर है। अगर वार्निंग को देखेंगे तो लगभग 293 मीटर के करीब उसमें होती है जब वाटर लेवल, और 294 आपका डेंजर लेवल माना जाता है। तो अभी स्थिति सामान्य है, सुबह से थोड़ी सी कम बारिश हुई है और पर्वतीय क्षेत्र में देख रहे हैं कि किस हिसाब से बारिश हुई उस हिसाब से लोगों को सचेत कर रहे हैं, और लक्सर वाले एरिया में जहाँ सोनाली रिवर का पानी बंदे को तोड़ के जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में घुसा है उन क्षेत्रों में राहत कार्य हमारे जारी हैं। SDM लक्सर अपनी टीम के साथ लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं, SDRF की टीम भी वही है, NDRF को भी हम लोगों ने रुड़की से वहाँ पे भेज दिया है, राहत सामग्री हम लोग तत्काल भेज रहे हैं, कल खाना भिजवाया था हम लोगों ने, आज राशन भी भिजवा रहे हैं और हेतु सहायता भी लोगों को तत्काल दे रहे हैं। नुकसान की अगर बात करें, कितना नुकसान है? देखिए, नुकसान का आकलन जब जलस्तर कम हो जाएगा, खेतों में जितना पानी भरा है वो कम हो जाएगा, रिसीट कर जाएगा, उसके बाद हमारी रेवेन्यू की टीम और कृषि विभाग और उद्यान विभाग की टीम ज्वाइंट सर्वे कर लेगी, उसके बाद हम बता पाएंगे फसलों को कितना नुकसान हुआ, लेकिन अभी जान माल की हानि की ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। एक दो स्थानों पर 2-3 भैंसों के मरने की सूचना है, और भगवानपुर में जहाँ 200-250 भेड़ करीब फंस गए थे उनको रातों रात हम लोगों ने निकाल दिया था, तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं, 2-3 दिन बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि वाकई में कितना डैमेज हुआ है।